या सो हम लोग का आज पॉलिटिक्स का डिस्कशन होगा यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा भारत का पॉलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भारत में कैसा टाइप का सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट ही चलता है, प्रेसिडेंशियल चलता है, कैसा टाइप का सिस्टम है भारत में? भारत में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, क्या है? हम लोग पहले उस चीज के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा हम लोग पीछे से लेके चलेंगे, ठीक है, चीजों को थोड़ा कनेक्टिंग वे में। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो रहेगा हम लोग का यूनियन पार्लियामेंट। हम लोग का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है। पर यूनियन पार्लियामेंट पढ़ने से पहले, यूनियन पार्लियामेंट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकवर्ड लिंकेज करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बैकवर्ड लिंकेज करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो एज वी ऑल नो, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत में लोकतंत्र है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो भारत इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक प्रणाली है सर, लोकतांत्रिक देश है हम लोग का। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? तो सर हम लोगों ने बचपन से रट के रखा है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल का मतलब क्या होता है। तो भारत में भैया डेमोक्रेसी का चीज चल रहा है, भारत में डेमोक्रेसी चलता है, लोकतंत्र चलता है, डेमोक्रेसी चलता है, इसका मतलब क्या होता है? सी, लोकतंत्र जो है ना, इसमें ये दो वर्ड से बना हुआ है, लोकतंत्र मतलब ये बहुत बड़े ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है सर, ये बहुत बड़े ग्रुप, लोगों का तंत्र, मतलब लोगों का तंत्र इस लोकतंत्र। दैट्स वाई डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, एंड ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। सो दिस इज दी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी बाय अब्राहम लिंकन। ओके सर, तो ये डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने और भी पहले भी चर्चा किया है कि डेमोक्रेसी जो है सर वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड का हो सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड इज यूएसए, यूएसए का डेमोक्रेसी, ठीक है सर। परंतु वहां का डेमोक्रेसी अलग है, भारत का डेमोक्रेसी अलग है, ऐसा क्यों? मतलब आपके माइंड में ये समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात आपको कि लोकतंत्र भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। कैसे कैसा हो सकता है सर, तो ध्यान से सुनिएगा। डेमोक्रेसी मेजरली जो डेमोक्रेसी है ना, ये दो टाइप का होता है। मेजरली जो डेमोक्रेसी होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, और एक होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बारे में पहले चर्चा करते हैं हम लोग। एज द नेम सजेस्ट, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी मीन्स द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब यहां पे सर प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, ठीक है। मतलब जैसे आप यूएसए को देखते हैं तो यूएसए में ना आप कभी प्रधानमंत्री के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। क्यों? प्रधानमंत्री के पास उतना पावर नहीं है सर, वहां पे ना प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चलती है वहां पे। परंतु जब आप भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत में हेड ऑफ द स्टेट तो आपके प्रेसिडेंट साहब है, पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री साहब। भारत में संसदीय प्रणाली चलती है सर, संसदीय लोकतंत्र है, और वहां पे राष्ट्रपति वाला लोकतंत्र है। वहां पे जो वहां का जो यूएसए के जो राष्ट्रपति है ना, वहां के राष्ट्रपति सर्वोच्च है, परंतु यहाँ पे आपका पार्लियामेंट सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, ठीक है। सुप्रीम कौन है सर? संसद है, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे सबसे पहला बात, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो है ना, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सुप्रीम होता है। जो एग्जीक्यूटिव होता है ना वो सुप्रीम होता है। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव? तो कार्यपालिका, कार्यपालिका के जो लोग होते हैं ना वो सुप्रीम होता है, वो सर्वोच्च होता है। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो विधान पालिका के लोग होते हैं वो सर्वोच्च होता है,
विधान पालिका के जो लोग होते हैं, लेजिस्लेटिव का जो लोग होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव? तो जब भी वर्ड हम लोग सुनते हैं ना, बस आपको सिंपल से याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को इंप्लीमेंट करवा रहा है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यपालिका में है, जो लॉ को इंप्लीमेंट करवा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपके अगल बगल आपके एरिया के डीएम साहब या फिर डीसी साहब इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव. वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, क्यों? क्योंकि उनका काम है लॉ को इंप्लीमेंट करवाना. उनका काम है, उनका प्राइमरली काम क्या है? लॉ को इंप्लीमेंट करवाना. और जैसे ही आप लेजिस्लेटिव का बात करते, तो लेजिस्लेटिव का वर्क क्या होता है? इसका प्राइमरीली वर्क होता है कानून बनाना, विधान बनाना. दैट्स वाई हम लोग इसको बोलते हैं विधान पालिका. तो विधान पालिका का एग्जाम्पल सर, विधान पालिका का एग्जाम्पल है आपका पार्लियामेंट. विधान पालिका का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पार्लियामेंट. ओके सर, तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पहला डिफरेंस मैंने क्या बता दिया कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में कार्यपालिका सर्वोच्च है, एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम. बट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव इज सुप्रीम, दैट मींस विधान पालिका इज सुप्रीम. ओके, दूसरा चीज ये आपको कहां देखने को मिल रहा है? एक एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो यूएसए में देखने को मिल रहा है, अमेरिका में देखने को मिल रहा है, या आपको यूके में भी देखने को मिलता है, भारत में भी देखने को मिलता है. ठीक है, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपको यूके में भी देखने को मिलता है, मतलब यूनाइटेड किंगडम में, और भारत में भी देखने को मिलता है. मतलब भारत में सर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है. भारत में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनका काम सर्वोच्च है. और यूएसए में जो कार्यपालिका में आते हैं उनका काम सर्वोच्च है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार भारत ने प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्यों नहीं चूज किया? क्या हो जाता अगर भारत प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को चूज कर लेता, तो क्या हो जाता? विल इट मेक एनी डिफरेंस? क्या हो जाता? तो हाँ, कुछ कुछ रीजंस थे जिसके वजह से भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया. क्या रीजन था तो सुनिएगा ध्यान से. वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है. तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो सर भारत में बहुत शोषण किया, भारत के लोगों का बहुत शोषण किया. फिर आ गया क्राउन रूल. ठीक है, क्राउन रूल आ गया भारत में, मतलब कंप्लीटली ब्रिटिश का पार्लियामेंट का सिस्टम आ गया इंडिया में, पूरा यूएसए मतलब यूके से चलने लगा. ठीक है, तो जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो या फिर ब्रिटिश रूल था, जब भारत में ब्रिटिश रूल था, उस वक्त किसका बोलबाला था? उस वक्त बोलबाला था एग्जीक्यूटिव्स का. उस वक्त एग्जीक्यूटिव्स का बोलबाला था, मतलब जो कार्यपालिका में लोग थे ना, उनका बोलबाला था. क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आपने सुना होगा एक पद जिसका नाम था वाइसरॉय. ब्रिटिश रूल के वक्त एक पद हुआ करता था वाइसरॉय. उससे पहले वो हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. उससे पहले हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. तो ये जितने भी पद है ना, ये सुप्रीम पद हुआ करते थे भारत के. एंड ये जितने भी लोग है ना, वाइसरॉय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये हर एक इंसान कौन था पता है? एग्जीक्यूटिव था, कार्यपालिका का लोग था. दैट मींस व्हाट? ब्रिटिश रूल में जो सुप्रीम एकदम सर्वोच्च सीट पे जो बैठे हुए थे ना, वो कौन थे सर? एग्जीक्यूटिव का हिस्सा थे, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा थे, कार्यपालिका का हिस्सा थे. और वो एग्जीक्यूटिव के लोग ना अपने पावर को मनमानी रूप से चलाएं, मतलब एकदम मनमानी करते थे. अरे यहाँ पे ऊंची चेंज कर दो, मतलब किसी से कोई डिस्कशन नहीं. वाइसरॉय का जब मन किया तब हाँ हाँ ये चीज होना चाहिए, हाँ बंगाल को उधर दे दो, बांग्लादेश क्रिएट कर दो, कुछ कर दो, बांट दो, बंगाल तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, जो मना रहा है वो कर दो. दैट मीन्स वॉट सर? ब्रिटिश रूल में हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव के लोग थे, उन्होंने अपने पावर को, शक्तियों को बहुत मनमानी रूप से यूज किया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्बिट्ररी रूप से यूज किया, आर्बिट्ररी एंड एम्बिगुअस रूप से यूज किया अपने पावर्स को. ठीक है, जिससे कि क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ पावर हुआ. कंसंट्रेशन ऑफ पावर का मतलब एक ही इंसान के पास पूरा पावर. आप सोचो ना, वाइसरॉय के पास ही पूरा पावर है. अब मान लो कि एक इंसान के पास पूरे भारत का पावर है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना, वो तो कोई भी लॉ ला सकता है, वो तो कैसा भी कानून पास करवा सकता है, वो कैसा जैसा मन वैसा देश को चलाएगा, अगर एक इंसान के पास पावर आ गया. तो ब्रिटिश रूल में एग्जीक्यूटिव का बोलबाला था, और एग्जीक्यूटिव जो थे वो लोग पावर को बहुत ही मिसयूज करते थे,
बहुत ही मनमानी रूप से यूज करते थे। तो सर जब भारत आजाद हुआ ना, तब भारत को अपना दर्द याद आया कि यार एग्जीक्यूटिव को अगर हम लोग सुप्रीम बना दिए तो फिर से तो ऐसे ही हो सकता है, ब्रिटिश रूल के जैसा ही भारत चलेगा अगर आजादी के बाद भी देखा जाए तो। तो भारत को वो दर्द पता था, जब जब दूध से वो जला था ना, तो वो दर्द पता था, इसीलिए वो इस बार छाछ को भी फूक फूक के पीना चाहता था। इसीलिए भारत ने क्या डिसाइड किया, दैट वी विल नॉट चूज एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी, वी विल नॉट चूज एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी, वी विल चूज लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। भारत में विधान पालिका का सुप्रीमेसी चूज किया जाएगा, भारत में विधान पालिका का सुप्रीमेसी चूज किया जाएगा, भारत में विधान पालिका जो होगी वो सुप्रीम होगी, एग्जीक्यूटिव जो होगी ना वो विधान पालिका के अंडर काम करेगी, कार्यपालिका जो है वो विधान पालिका के अंडर काम करेगी। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। इसका मतलब क्या, क्या कार्यपालिका विधान पालिका के अंडर काम कर रही है, या फिर क्या कार्यपालिका सब ऑर्डिनेट है विधान पालिका का? तो हाँ भैया, ये सही कथन है। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, यस इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, दैट मीन्स वॉट, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव जो है ना वो लेजिस्लेटिव का आंसर है, आंसरेबल करेगा, मतलब अगर कोई भी काम करता है ना आज के वक्त में, मतलब नहीं समझ में आया कुछ भी, सुनो ध्यान से, मैं कुछ कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है? आप लोग मुझे बताएंगे, हाँ, विधानसभा जानते हैं आप लोग? विधानसभा, विधानसभा जो है ये किस चीज का एग्जाम्पल है, कार्यपालिका का, विधान पालिका का, मतलब एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है कि लेजिस्लेटिव का, लेजिस्लेचर का एग्जाम्पल है कि एग्जीक्यूटिव का? तो लेजिस्लेटिव का एग्जाम्पल है विधानसभा, सबको जानता है, सबको जानता है लेजिस्लेटिव का हिस्सा है। नाउ टेल मी, डीएम जो है आपके एरिया का, वो एग्जीक्यूटिव है कि लेजिस्लेटिव है? डीएम सर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। अच्छा, कभी ऐसा देखे हैं कि डीएम सर किसी एमएलए को फोन करके बोलते हैं, अरे एमएलए साहब आप ये वाला काम नहीं कर रहे हैं, कभी देखा है आपने ऐसा फोन करके बोलते हुए? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन क्या आपने देखा है कि एमएलए साहब डीएम साहब को फोन करके बोल रहे, अरे डीएम साहब ये वाला काम वो नहीं हुआ, ये वाला काम कैसे नहीं हुआ, ये वाला काम क्यों नहीं हो पा रहा है? और उस वक्त डीएम सर को जवाबदेही देना पड़ता है एमएलए साहब को, अरे हाँ, जी हाँ, सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हो जाएगा सर हो जाएगा। दैट मीन्स वॉट, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है? चलिए, मतलब सर भारत में एक रीजन तो ये हो गया कि भारत नहीं चाहता था कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी हो, दैट्स वाई उन्होंने लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी को चूज किया और पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाया। एक और रीजन था, एक और रीजन क्या था कि देखो, एक और कहावत है कि जैसा देश वैसा भेस, वो कहते हैं ना कि अंग्रेज अंग्रेज खुद तो चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, ये कहावत है ना कि अंग्रेज खुद तो चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, वैसे ही सर अंग्रेज खुद तो चले गए पर कुछ कुछ ट्रेडिशन छोड़ गए भारत में। अगर आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम के सिस्टम को, यूनाइटेड किंगडम के सिस्टम को देखेंगे ना, तो वहां पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहां पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब सुनिएगा, ब्रिटिशर्स ने हम लोग के ऊपर इतना साल तक, 200-300 साल तक राज किया, अब बताओ 200-300 साल तक हमने यूनाइटेड किंगडम के सिस्टम को देखा, बहुत नजदीकी से देखा, क्योंकि वो लोग हम पे राज करते थे, वो लोग हम पे राज करते थे, हम लोगों ने देखा कि कैसे पार्लियामेंट उनका वर्क कर रहा है, हमने देखा कि कैसे वो लॉ बना बना रहे हैं, कैसे वो चीजों को चला रहे हैं सुचारू रूप से, हमने हर एक चीज को ऑब्जर्व किया 200-300 साल तक। अब सोचो कि 15 अगस्त 1947 में वो वापस चले गए, इसका मतलब क्या हम लोग भूल जाएंगे कि वो कैसे चलाते थे पूरे सिस्टम को? नहीं, नहीं भूल सकते सर, नहीं भूल सकते। तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा रूप से इन्फ्लुएंस भी हुए यूनाइटेड किंगडम से, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द सेकेंड रीजन टू चूजिंग फॉर चूजिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चूज करने का ये भी एक कारण था। समझ में आया? दो कारण मैंने बता दिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों चूज किया गया भारत में, भारत में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्यों नहीं चूज किया गया,
समझ में आया सभी को? ठीक है, मतलब अगर कभी भी आपसे कोई पूछे तो इस चीज पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ विल फोकस अपॉन दी वर्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है ना, इसमें चार वर्ड्स बहुत फेमस है। डेमोक्रेसी में क्या फेमस है सुनिएगा ध्यान से। कभी भी लॉ बनते हुए, कभी भी आप लोग देखते हैं संसद टीवी आता होगा आपके टेलीविजन पे, जब सत्र वगैरह चलता है, कभी भी देखा है किसी ने? मतलब सर बिल इंट्रोड्यूस होता है, डिस्कशन होता है, पूरा हैवी वाला डिस्कशन होता है, पूरा एकदम, कभी कभी तो एकदम आपा खोल लेते हैं सब कोई। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी में सबसे पहला चीज क्या होता है? डिबेट। डिबेट होता है सर, सबसे पहले डिबेट। डिबेट का मतलब एक दूसरे से डिबेट करना। जैसे कोई, मैं बनना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर, अपने अपने प्रांत का, अपने राज्य का मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, और दूसरा दूसरा भी कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा हूं कि वो अच्छा है? इसलिए सर डिबेट होता है। एक लोकतंत्र में डिबेट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए एक लोकतंत्र में डिबेट होता है। ठीक है, दूसरा चीज डिस्कशन। डिस्कशन, अब मान लो कि कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया संसद में, और उस बिल को विदाउट डिस्कस करके ही पास कर दिया गया, तो क्या ये सही होगा? क्या उस बिल के बारे में विदाउट चर्चा किए उसको पास कर देना, क्या ये सही होगा? नहीं होगा सर। दैट मींस व्हाट? डेमोक्रेसी में डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी चीज को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर जब डिस्कशन करते हैं ना, तो बहुत लोग उसके पक्ष में होता है और कुछ लोग विपक्ष में होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सांसद हूं, मैंने एक बिल पेश किया, तो 50% लोगों ने बोला हाँ ये सही है, ये बिल अच्छा है, मैं इसका साथ दूंगा, लेकिन 50% ने बोला नहीं अच्छा नहीं है। मतलब क्या डेमोक्रेसी में डिसेंट, डिसेंट मतलब क्या होता है? डिसेंट मतलब होता है साथ नहीं देना, ये करना, क्या बोलते हैं उसको, मना करना। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में सर डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट, डिसीजन, जब ये तीनों चीज हो जाती है ना, तो एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है, एक डिसीजन लिया जाता है, और फाइनली एक लॉ बनाया जाता है। तो डेमोक्रेसी में ना ये 4D बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी में 4D बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा 4D सर? डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट, डिसीजन। भैया जब मेंस में आंसर राइटिंग करने का ऑप्शन मतलब आएगा ना, तो आप ये सब चीजें लिखेंगे ना। मतलब सोचो ना, कोई इंसान बस इतना लिख रहा है कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, और बस ये लिख के चला जा रहा है कि अब्राहम लिंकन साहब ने बोला था, बस डेमोक्रेसी खत्म। लेकिन आप इस चीजों को अच्छे से लिख रहे हो तो कितना फर्क पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी में 4D बहुत इंपॉर्टेंट है, डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट, डिसीजन मेकिंग। अब सोचो ना कि पार्लियामेंट में मैंने बिल पेश किया, उस बिल में डिबेट हो रहा है, ठीक है, डिबेट हो रहा है, सर डिस्कशन भी हो रहा है, पूरा हेवी टाइप से डिस्कशन हो रहा है, कुछ लोग उसके पक्ष में है, कुछ लोग उसके विपक्ष में चले जा रहे हैं, और फाइनली डिसीजन मेकिंग हो रहा है। फाइनली कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद डिस्कशन ये सब करने के बाद डिसीजन बन रहा है, कोई निष्कर्ष पे हम लोग आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है लॉ बनाने में, या फिर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है लोकतंत्र में? कैसे सर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सोचो ना, हम लोग बिल पेश किए हैं, तो सर 15-20 दिन तो सब डिबेट करेगा, फिर डिस्कशन करेगा, फिर आधा लोग बोलेगा कि नहीं ये तो गलत है, ये तो, कोई बोलेगा गलत है, कोई बोलेगा सही है, तो डिसेंट पेश करेगा, और लास्ट में 3-4 महीना, साल भर बाद बनेगा एगो लॉ। तो सर आप एक चीज फील कर पा रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का? कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ना, जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं ये बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो स्टेप लिया जाता है, बहुत स्लोली काम होता है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, अरे हमारे देश में तो, अरे सरकारी काम है ना, लेट लेगा, टाइम लगेगा। अरे भैया क्यों टाइम लग रहा है? क्योंकि हमारा देश जो है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट और डिसीजन मेकिंग ये होना बहुत जरूरी है, और इन सबको फॉलो अप करने के लिए ज्यादा टाइम लग जाता है। परंतु सर जब डिसीजन लिया जाता है ना, वो डिसीजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब सोचिए ना, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
एक आदमी है, यही पूरा देश को चला रहा है। ये पूरे देश को अच्छा चला पाएगा कि 100 जन का ग्रुप पूरे देश को अच्छा से चला पाएगा? आप बताइए कौन ज्यादा अच्छे से पूरे देश को चला पाएगा? सर 100 जन का ग्रुप चला पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 100 जन मिलके बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे और फाइनली जाके वो निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। परंतु ये जो अकेला आदमी है जो बोलेगा नहीं हम ही हीरो हैं, हम ही हीरो हैं, हम ही पूरा देश को अकेले चलाएंगे, मतलब सर ये क्या करेगा पता है? ये मनमानी करने लगेगा। ये बोलेगा नहीं ये मेरे हिसाब से सही है, मतलब सही है। लेकिन सर यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे कोई मनमानी नहीं करेगा। 100 जन का ग्रुप होगा ना तो कोई मनमानी नहीं करेगा, सब बोलेगा कह रहे हाँ ये चीज गलत है, ये चीज सही है। मतलब आपको गलत चीजों के बारे में भी पता चलेगा, सही चीजों के बारे में भी पता चलेगा। मतलब जब भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बात करें ना, तो यहाँ पे सर बहुत बड़ा ग्रुप होता है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट होने के बाद जो डिसीजन बनता है ना, बहुत इफेक्टिव डिसीजन बनता है। परंतु सर जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होता है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होता है, वहां पे क्या है सर, सिर्फ एक दो आदमी के हाथ में पूरा पावर है, एक दो आदमी के हाथ में ही पूरा पावर है। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट साहब, वहां के जो प्रेसिडेंट साहब, तो एक दो आदमी के हाथ में पूरा पावर है, क्या वहां पे डिसीजन लेने में टाइम लगेगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। डिसीजन बोलेगा अरे अच्छा इसको ऐसे करना है, मार देना है ओसामा बिन लादिन को, मार दो मार दो। अच्छा उसको ऐसे ऐसे करना है, ये वाला लॉ पास करना है, कर दो पास, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या है कि चीजें बहुत स्पीडली होती हैं, चीजें बहुत जल्दी जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा ग्रुप नहीं है डिस्कशन करने को, आराम से आदमी के पास फुल पावर है, जो करना है कर दो, यहां पर अटैक कर दो, वहां पर अटैक कर दो। परंतु सर जल्दबाजी में चीजें कभी कभी गलत भी हो जाती हैं। दैट्स वाई प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जाता है ना, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। क्या ये चीज समझ में आई कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है? क्या कभी क्वेश्चन आए तो क्या आप लोग लिख सकते हैं? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अब आपको समझ में आया कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे आया। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि पार्लियामेंट है क्या। ठीक है, हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्टिंग से ही था कि पार्लियामेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, परंतु मैंने उसको थोड़ा हिस्ट्री से कनेक्ट किया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भारत में आई कैसे और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी से। ठीक है, अब हम लोग पार्लियामेंट को थोड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सुनिएगा, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद। ठीक है, संसद, तो सबसे पहला चीज तो आपको यह याद रखना है, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इन इंडिया। भारत में सर्वोच्च विधान पालिका का अगर किसी के पास अथॉरिटी है तो वो किसके पास है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। ये चीज समझ में आता है आप लोगों को? क्या बोला मैंने कि भारत में अगर कोई कोई भी विधान पालिका से रिलेटेड चीजें हैं, कोई भी लॉ वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, उसका सर्वोच्च पावर अगर किसके पास है, हाईएस्ट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी किसी के पास है, तो वो पार्लियामेंट के पास है, वो संसद के पास है। ठीक है, मैंने आपको समझाते वक्त एक चीज बताया था कि भारत ने जो अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू किया वो कहीं ना कहीं सर थोड़ा मोड़ा यूके से इन्फ्लुएंस होके किया। तो यूके का जो पार्लियामेंट है ना, यूके का जो पार्लियामेंट है ना यूनाइटेड किंगडम का जो पार्लियामेंट है, उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर। यूके का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है वेस्टमिंस्टर। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है ना कि भारत में किस टाइप का डेमोक्रेसी या फिर किस टाइप का पार्लियामेंट है, भारत में किस टाइप का डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है या फिर किस टाइप का पार्लियामेंट फॉलो किया जाता है, तो एग्जाम में एक ऑप्शन मिलेगा आपको वेस्टमिंस्टर टाइप, वेस्टमिंस्टर टाइप पार्लियामेंट या फिर वेस्टमिंस्टर टाइप डेमोक्रेसी आपको मार के आना है। तो आप मुझे पूछेंगे अरे आप यूके वाला क्यों मरवा रहे हैं? क्योंकि सर जब मैंने पढ़ाया थोड़ा हिस्ट्री के बारे में तो मैंने आपको ये भी समझाया कि भारत में जो डेमोक्रेसी है ना वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है यूके के डेमोक्रेसी से।
दैट्स व्हाई क्या बोला जाता है कि भारत का जो डेमोक्रेसी है ना, इट इज वेस्टमिंस्टर टाइप डेमोक्रेसी. आई रिपीट, इंडियन डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ और इज अ काइंड ऑफ वेस्टमिंस्टर मॉडल और वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी. समझ में आप लोगों को? हाँ भैया, समझ में आप लोगों को? वेस्टमिंस्टर एग्जाम कहीं ना कहीं आप इधर उधर देखे होंगे कि वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर, ठीक है, वेस्टमिंस्टर. चलिए, भारत का जो डेमोक्रेसी है ना, इसका एक और खासियत है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है. भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है. ऐसा है क्या? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब समझ में आता है? मतलब मैं आप लोगों से पूछ रहा था ये चीज, भारत में क्या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? सर दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है. इनडायरेक्ट भी होता है कहीं कहीं और डायरेक्ट भी होता है कहीं कहीं, ठीक है. अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों होता है. प्रत्यक्ष जो है मतलब डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो लोकसभा के लिए होता है, ठीक है, लोकसभा के लिए होता है. और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो आपका राज्यसभा के लिए होता है. अब ये क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा, ये हम लोग देखेंगे थोड़ा देर बाद. मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए सबसे पहला चीज कि भारत में दोनों टाइप का इलेक्शन हम लोग देख रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन भी देख रहे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी देख रहे हैं. परंतु भारत का जो डेमोक्रेसी है ना, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है. भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखा जाता है. मतलब सर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या? मतलब अगर डेमोक्रेसी का मतलब क्या, लोकतंत्र, क्या यहाँ के लोग खुद खुद का पूरा शासन चलाते हैं? नहीं सर, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं इलेक्शन के माध्यम से. वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव संसद में जाके पूरे देश को चलाता है. ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. और भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, परंतु कई कई देशों में, कोई कोई देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. कौन से देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा आप लोग. स्विट्जरलैंड में आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का देखने को मिलता है. तो भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिल रहा है सर, ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है. मैंने क्या बोला आप लोगों को कि भारत में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मॉडल यूज किया जाता है, दैट इज अ टाइप ऑफ वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल. अब वेस्टमिंस्टर मॉडल में क्या क्या आता है सर, तो सुनिएगा ध्यान से. वेस्टमिंस्टर मॉडल में दो चीजें आती हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल में दो चीजें आती हैं. सबसे पहला चीज कि वेस्टमिंस्टर मॉडल बात करता है बाइकैमरलिज्म का. बाइकैमरलिज्म, अब डर जाएंगे हम लोग सुन के, बाइकैमरलिज्म मतलब क्या होता है? द्विसदनीय प्रणाली को यूज करता है, ठीक है, द्विसदनीय प्रणाली का यूज करता है वेस्टमिंस्टर मॉडल. मतलब यूके का भी जो आप पार्लियामेंट देखेंगे ना, तो वहां पे भी आपको बाइकैमरल नजर आएगा, द्विसदनीय नजर आएगा, वहां पे भी दो सदन नजर आएंगे. और भारत में भी सर आपको द्विसदनीय नजर आता है, दो गो सदन नजर आता है. कौन कौन सा है सर? पहला जो सदन नजर आता है वो है लोकसभा, लोकसभा, और दूसरा जो है वो कौन है? राज्यसभा. लोकसभा जो है इसको हम लोग प्यार से बोल देते हैं लोअर हाउस. इसको क्या बोल देते हैं? लोअर हाउस. और राज्यसभा जो है इसको हम लोग प्यार से बोल देते हैं अपर हाउस, ठीक है सर, प्यार से बोल देते हैं अपर हाउस और प्यार से बोल देते हैं लोअर हाउस. समझ में आया? तो वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है सर, इसमें फेमस है क्या? द्विसदनीय, बाइकैमरलिज्म बहुत फेमस है. और ये चीज हमें भारत में भी देखने को मिल रहा है. और क्या चीज फेमस है सर? जो मैक्सिमम पावर है ना, वो वेस्टमिंस्टर मॉडल में किसके पास होता है? कैबिनेट के पास. कैबिनेट होल्ड्स मैक्सिमम पावर. जो कैबिनेट होता है ना सर, जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट में सर बहुत सारे मंत्री वगैरह होते हैं, तो उन पूरे मंत्रियों के हाथ में, उस पूरे कैबिनेट के हाथ में, कैबिनेट के हाथ में मैक्सिमम पावर होता है, ठीक है. अगर आप यूके में भी देखेंगे ना, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम में भी अगर आप देखेंगे, तो वहां पे भी सेम सिस्टम है, वहां पे भी सेम सिस्टम है, वहां पे भी कैबिनेट के हाथों में मैक्सिमम पावर होता है, कैबिनेट के हाथों में मैक्सिमम पावर होता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ आप मुझे बोलेंगे, अरे नहीं सर, हम तो अभी भी हम संतुष्ट नहीं है कि भारत का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो थोड़ा थोड़ा यूके से रिलेटेड है, हम अभी भी संतुष्ट नहीं होंगे. तो मैं संतुष्ट करता हूं आप लोगों को. भारत में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं, इसमें मैंने क्या बोला सर? बाइकैमरलिज्म बहुत फेमस है, द्विसदनीय बहुत फेमस है, बाइकैमरलिज्म बहुत फेमस है. क्या क्या देखा आपने बाइकैमरल में? लोकसभा, दो सदन है सर पार्लियामेंट में, दो सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा. अगर आप
अगर आप यूके का, अगर आप यूके का पार्लियामेंट को देखें ना, अगर आप यूके का पार्लियामेंट को देखें यूनाइटेड किंगडम का, तो वहां पे भी ऐसे दो सदन दिखेंगे। वहां पे भी आपको लोअर हाउस एंड अपर हाउस दिखेगा। वहां का जो लोअर हाउस है उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन्स, यूके का बात कर रहा हूं मैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। और वहां का जो अपर हाउस है यूके का जो अपर हाउस है उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो क्या डिफरेंस है सुनिएगा, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यही कॉन्सेप्ट को यूज करके भारत में लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण हुआ है। आई रिपीट, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ही कॉन्सेप्ट को यूज करके भारत में लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण हुआ है। परंतु लोकसभा और राज्यसभा बहुत डिफरेंट है हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड से, मतलब एकदम सेम नहीं है सर, एकदम सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी दिखता है मतलब, परंतु एकदम सेम नहीं है। हमने वो आइडिया लिया है परंतु चीजें बहुत डिफरेंट है। तो हाउस ऑफ कॉमन जो है ना, मतलब मैं थोड़ा हिस्ट्री बता रहा हूँ आप लोगों को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, मतलब यूके का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन बैठता था पहले, जब वहां पे किंग वगैरह का राज था, तो वहां पे ना सर जो किंग्स के करीबी थे ना, जो राजा रानियों के जो करीबी थे ना, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहले बैठा करते थे, और हाउस ऑफ कॉमन में ऐसे ही आम जनता। परंतु आज यूके में क्या रूल बन गया है ना, कि जो भी पीएम बनेगा, जो भी पीएम बनेगा उसको हाउस ऑफ कॉमन का हिस्सा होना ही चाहिए, हाउस ऑफ कॉमन का हिस्सा होना ही चाहिए। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है ना, कि हाउस ऑफ कॉमन जो है ना, आज के टाइम पे यूनाइटेड किंगडम में, आज के टाइम पे हाउस ऑफ कॉमन जो है, हाउस ऑफ कॉमन का पावर ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स। परंतु क्या भारत में ऐसा है? भारत में क्या राज्यसभा और लोकसभा दोनों सेम पावर होल्ड नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, ऑलमोस्ट दोनों सेम पावर होल्ड करते हैं, दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों का इक्वल कैंडिचर है, इक्वल, दोनों दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम पावर को होल्ड करते हैं। परंतु यूके में ऐसा नहीं होता है, यूके में आपको हाउस ऑफ कॉमन ज्यादा पावरफुल नजर आएगा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स थोड़ा कम पावरफुल नजर आएगा। दैट्स वाई हमने भले वो बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट बोरो किया यूके से, परंतु हमारा लोकसभा और राज्यसभा बहुत डिफरेंट है वहां के लोकसभा, वहां के हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलिए नाउ थोड़ा हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ राज्यसभा, चलो इधर लिख लेता हूँ लोकसभा, इधर लिख रहा हूँ मैं लोकसभा, और इधर लिख रहा हूँ राज्यसभा, राज्यसभा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला चीज कि दोनों का जो पावर्स है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम पावर, ऑलमोस्ट सेम पावर, ठीक है, दोनों का जो पावर है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों सदन का ऑलमोस्ट सेम पावर है। ठीक है सर, लोकसभा जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ पीपल इसको हम लोग बोलते हैं। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस ऑफ पीपल। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? वॉइस ऑफ स्टेट्स, राज्यों का आवाज, वॉइस ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। आई रिपीट, लोकसभा जो है इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस ऑफ पीपल, और राज्यसभा जो है इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस ऑफ स्टेट। इसके अलावा राज्यसभा जो है ना सर, इसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स मतलब क्या सर? यहाँ पे जो लोग है ना वो उम्र दराज होते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज जो है वो मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 30, मतलब एटलीस्ट 30 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, परंतु लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए? 25 या फिर 25 से ज्यादा, 25 या फिर 25 से ज्यादा। दैट्स वाई सर आप देखेंगे तो राज्यसभा में 30 साल से ऊपर के लोग हैं,
दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर्स, समझ में आया सभी को, हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग राज्यसभा जो है इसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोल देते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोल देते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको और भी बहुत विस्तार से हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो जा रहा है, हम लोग राज्यसभा लोकसभा में डेडिकेटेड सेशन देंगे। अभी थोड़ा फिमिलैरिटी लाने के लिए, थोड़ा फिमिलियर करने के लिए आप लोगों को ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि पार्लियामेंट हमारा कैसा नजर आता, सबसे पहले तो पार्लियामेंट जो है ना, ये पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें हैं, ये अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है। तो भारत का जो पार्लियामेंट है ना, इसमें कितने आपको यूनिट्स नजर आएंगे? तो इसमें 3 यूनिट नजर आता है आपको, 3 यूनिट, कौन कौन सर? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला था कि भारत में जो विधान पालिका का सर्वोच्च है वो पार्लियामेंट है सर। पार्लियामेंट इज दी सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों बोल दिया आपने? ऐसा इसलिए बोल दिया मैंने कि भारत में अगर कोई भी कानून पास करना हो ना सर, कोई भी कानून, अगर कोई भी विधेयक अगर पास करना हो भारत में, देन इट मस्ट बी पास्ड फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा एंड इट मस्ट गेट असेंट फ्रॉम दी प्रेसिडेंट। अगर कोई भी विधेयक पास करना है ना, तो उसको लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब से साइन होने के बाद ही वो लॉ लॉ बनेगा। दैट्स व्हाई पार्लियामेंट इज दी सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ एग्जाम में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, आप लोग मुझे ट्रू और फॉल्स बताना, इसमें से ट्रू क्या है, इसमें से सही क्या है? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट इज दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है, मतलब हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो पार्लियामेंट का, संसद का सदस्य है। ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट जो है इज दी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इन दोनों कथन में से आपको क्या सही लग रहा है? बस मतलब तुक्का मारना है आपको, आपको तुक्का मारना है, इनमें से आपको क्या सही लग रहा है? सर ऑप्शन बी इज राइट, ये चीज आपको ध्यान रखना है एग्जाम तक। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, वो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है। ये वोकैब से आप डरना, बचना, ठीक है, मतलब अननेसेसरी कंफ्यूजन करके क्या फायदा सर, अननेसेसरी कंफ्यूजन करके क्या ही फायदा, ठीक है, तो अननेसेसरी कंफ्यूजन हम लोग क्रिएट ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ये फंक्शनल पार्ट है सर पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट जो है ये फंक्शनल पार्ट है पार्लियामेंट का, और दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट साहब जो है वो अटूट हिस्सा है हमारे संसद का, हमारे संसद का वो अटूट हिस्सा है, ठीक है सर। तो दिस इज अ ब्रीफ, लाइक दिस इज एन इंट्रोडक्शन, दिस इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट द पार्लियामेंट। हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज मैं आपसे और डिस्कशन करना चाहता हूं कि भारत में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, आप लोग मुझे बताएंगे
इसको भारत में किस टाइप का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है, भारत में किस टाइप का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है, भारत में किस टाइप का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है? भारत में किस टाइप का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है? वेस्टमिंस्टर टाइप। बाइकैमरलिज्म मतलब क्या बोल रहे हैं आप लोग? बाइकैमरलिज्म उसके तहत आता है ना, बाइकैमरलिज्म जो है उसके तहत आता है, ठीक है, बाइकैमरलिज्म उसके तहत आता है। तो वेस्टमिंस्टर टाइप का, वेस्टमिंस्टर टाइप का फॉलो किया जाता है सर मॉडल, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्क अभी थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन सबके बारे में रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में। राज्यसभा जो है सर, इसमें एक मतलब दो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो हेड हेड होते हैं उस हाउस का, उस सदन का हेड होते हैं, जिनको पूरा सदन को सुचारू रूप से चलाना पड़ता है। वैसे ही लोकसभा में भी हम लोग चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि लोकसभा में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जिनको हम लोग स्पीकर बोलते हैं और डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको हम लोग चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं। एक गुजारिश आप लोगों से कि कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़े ना, तो उस चीज को आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ाऊंगा ना, राज्य का विधान पालिका पढ़ाऊंगा ना, तो मैं ज्यादा राज्य का विधान पालिका को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं तुरंत बोल दूंगा कि अरे देखो, राज्य का विधान पालिका में दो चीजें आती हैं, किसी किसी राज्य में दो चीजें आती हैं। जैसे राज्य का जो विधान सभा है ना, विधान पालिका है ना, उसमें किसी किसी राज्य में बाइकैमरलिज्म है, विधानसभा भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो जब मैं विधानसभा और विधान पालिका को समझाऊंगा ना, तो मैं तुरंत आप लोगों को ये चीज बोलूंगा कि विधान सभा जो है ना, इट इज सिमिलर टू लोकसभा, लोकसभा से सिमिलर है, और विधान पालिका जो है ना, ये कहीं ना कहीं सिमिलर है किससे? राज्यसभा से। इट इज सिमिलर टू राज्यसभा, तो आपको उस वक्त रिलेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस थिंग, ठीक है।